हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच में तीसरे वनडे के बारे में। तो इससे पहले मैं आपसे कुछ बातें बताना चाहता हूँ। हालांकि मुझे बहुत सारा ऐसा मैसेज आया है कि मैंने हालांकि इस मैच का जो टीम जो है मैं थोड़ा बिजी था इसलिए अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए जो बहुत सारे लोगों ने जो है फेक जो क्या कहते हैं फेक न्यूज़ दिया है, बहुत सारा फेक न्यूज़ दिया था कि ट्रेविस डेन खेलेंगे। ठीक है, ये बात सच थी कि ट्रेविस डेन जो है वो है जो है स्क्वाड में अवेलेबल थे लेकिन वो नहीं खेलने वाले थे। ठीक है, तो ये जो है पहले डिक्लेयर हो चुका था। अगर आपने उसे लिया होगा तो बहुत ही ज़्यादा गलती करी होगी। तो हालांकि मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं न्यूज़ अपडेट नहीं कर पाया, लेकिन मुझसे जिसने मुझे भी अपने जिसने मुझे यू नो जो मुझे मैसेज किया जिसने, मैंने उसे सबको बताया और उन सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा विन किया है। इसी साथ साथ लुक राइट भी ये पिछला मैच जो आज हुआ था वो नहीं खेलने वाले थे। बहुत सारे लोगों ने लुक राइट के बारे में भी बताया कि वो खेलने वाले थे। तो फ्रेंड इसलिए मैं कहता हूँ आप प्लीज़ दूसरों की बात मत सुनिए। आप जो है हालांकि मैं जिससे के ओपोनेंट में खेल रहा था तो मुझे बहुत सारा फ़ायदा हुआ था। मैं लगभग 40 पॉइंट से मैं जीता था। ठीक है, तो शायद मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा विनिंग। ठीक है, दिखा देता हूँ एक बार। ठीक है, जो मैंने एक में आपको स्क्रीनशॉट देता हूँ। ठीक है, तो आपको पता ही होगा मेरा टीम का नाम यही है क्योंकि मैंने पिछले कुछ मैचों से ही दिया था। आप यहाँ से पॉइंट देख के अंदाज़ा लगा था तो करीबन मैं 40 पॉइंट से मैं जीता था, जो कि मेरे लिए बहुत ही ईजी था क्योंकि सब लोगों के पास प्रॉपर न्यूज़ भी नहीं था। तो बात करते हैं इस मैच की, और अगर आप भी कुछ अच्छा विन करना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपका भी फ़ायदा होगा, आप ही विन करोगे। ठीक है, तो आप मुझे उसमें से कोई हिस्सा नहीं देने वाले। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट कीजिएगा कि क्या सच में ऐसा हुआ था। तो बात करते हैं विकेट कीपर से। विकेट कीपर में आपके पास दोनों ही अच्छे ऑप्शन हैं, लेकिन आप दोनों में से किसी के साथ भी जा सकते हो। अगर आपको क्रेडिट का प्रॉब्लम हो रहा है तो टॉम लेथम के साथ जाओ, अगर नहीं हो रहा है तो सरफराज के साथ जाओ। ठीक है, और दोनों में से टॉम लेथम थोड़ा बेटर बल्लेबाज़ इसलिए है क्योंकि होम एडवांटेज का फ़ायदा उसे ज़्यादा मिल रहा है। और इसके अलावा हमारे पास अच्छे अच्छे ऑप्शन जो रहेंगे केम विलियमसन, मैंने बाबर आजम को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो अच्छे फॉर्म में नहीं है, प्लस न्यूजीलैंड में कुछ खास अच्छा भी शायद नहीं कर सके, लेकिन आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। मार्टिन लुथर किंग अच्छे फॉर्म में, रॉस्टलर एक अंडररेटेड बैट्समैन है लेकिन बहुत ही अच्छे और कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छी है, रन लगातार बनाते हैं, तो आपके लिए एक अच्छे चॉइस हो सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे अजहर अली को भी ले सकते हो, लेकिन उनका भी परफॉर्मेंस जो था बहुत ही ख़राब है। उसके अलावा आप कोलिन मुंड्रो, मोहम्मद हाफिज़ को मैं फिर से बता दूँ, हाफिज़ बैंड हुआ है, तो आप ऐसे ऑलराउंडर उसे लेना चाहते हो तो मत लीजिए क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बैटिंग ही करेंगे। फ़खर जमन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनका खेलने के चांसेस जो है 50% है, तो अगर वो फिट हुए टाइम पे तो उसे खेलेंगे वरना नहीं खेलेंगे, तो ये आपके लिए थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 50% मार्क करके दे दिया है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पे आप हेंगली निकोल को ले सकते हैं, और अगर फकर समान नहीं खेलते हैं तो इमाम उल हक खेलेंगे, अगर फकर समान खेलते हैं तो इमाम उल हक नहीं खेलेंगे। ठीक है, कुछ इस तरह का सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ऑलराउंडर की। ऑलराउंडर पे यहाँ पे आप शोएब मलिक को ले सकते हो, ठीक है, अच्छे ऑलराउंडर है, मिचेल सैंटनर को ले सकते हो, सादब खान को ले सकते हो जो कि पिछले मैच में अच्छी बैटिंग किया था, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप टॉड एथली को ले सकते हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर है और बहुत ही अच्छे ऑलराउंडर है। और बॉलिंग की बात करें तो आपके पास यहाँ पे हसन अली, टॉम टीम साउथी, ट्रेंट बोल्ट, उसके बाद है मोहम्मद आमिर, फहीम अशरफ, ठीक है, ये कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे बॉलर है। आप चाहते हैं बोल लकी फर्गसन को भी ले सकते हो जो कि बहुत ही अच्छे फॉर्म में भी है और पिछले मैच में इन्होंने बहुत ही अच्छी विकेट भी लिया था। ठीक है, तो पाकिस्तान शायद अपने स्क्वाड पे एक दो चेंजेस कर सकता है। ठीक है, पाकिस्तान जो टोटल टीम में जो है एक दो चेंजेस कर सकता है, तो वही
चांसेस है अदरवाइज न्यूजीलैंड जो है वो सेम प्लेइंग 11 के साथ ही जाएंगी। ठीक है, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ आपके लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन कौन कौन अच्छा रहेगा। ठीक है, आप कैमरसन के साथ जा सकते हो, मार्टिन गप्टिल के साथ जा सकते हो। ठीक है, मैं स्मॉल लीग के लिए बता रहा हूँ, कॉलिन मुंडो के साथ जा सकते हो। ठीक है, ये तीनों जो है अच्छे आपके लिए कैप्टन एंड वाइस कैप्टन है। स्मॉल लीग के लिए अगर आप ग्रैंड लीग खेलना चाहते हो तो मैं आपको हसन अली, टीम साउथी, मोहम्मद हाफिज एंड रॉस टेलर को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि ये तीनों जो है वो ग्रैंड लीग के लिए और ये तीनों जो है स्मॉल लीग के लिए आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो फ्रेंड आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप में, और मिलते हैं अगले वीडियो में।